नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अच्छी नींद के बारे में। जी हाँ, अच्छी नींद के बारे में, क्योंकि जितनी अच्छी हम नींद लेते हैं उतना ही हम स्वस्थ रहते हैं। विश्व भर में चल रही कोरोना महामारी के कारण सभी देशों की सरकारों ने लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन में घर में रहने के दौरान तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याएं देखने में आ रही हैं। विभिन्न रिसर्च में अच्छी नींद के लिए जो उपाय बताए जा रहे हैं वे दरअसल हमारे बड़े बुजुर्गों के समय से ही चले आ रहे हैं। तो हम कुछ तरीकों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमेशा कुछ अच्छा पढ़ें। सोने से पहले किताबें पढ़नी चाहिए। पहले घरों में किताबें पढ़ना जीवन का हिस्सा होता था, अब नहीं है, लेकिन हम अब इसको बनाएंगे। इससे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल कम होता है, अच्छी नींद आती है और याददाश्त बढ़ती है। अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी बचाव होता है। सेकंड जो तरीका है, दूसरा जो तरीका है वो है रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। कई शोधों में सामने आया है कि सोने से पहले रिलैक्स, फिजिकल मेंटली दोनों तरफ से हमको रिलैक्स होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रखनी चाहिए, और इसके लिए बच्चे या पालतू जानवरों के साथ हम खेलकर हमारे दिमाग को, हमारी मेंटेलिटी को हम अच्छी वे में लगा सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो है समय पर सोने जाएं। गांवों की जो जीवन शैली में सोने जागने का समय तय होता था, अब शोध कर रहे हैं कि इससे कई गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। नींद की भी एक दिनचर्या होती है जो गड़बड़ाने से अनिद्रा आदि समस्या उत्पन्न होती है। चौथा जो तरीका है, हवादार कमरे में सोएं। अच्छी नींद के लिए हवादार कमरे में सोना चाहिए, साथ ही बिस्तर साफ और मुलायम होना चाहिए। आसपास शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, माहौल बिल्कुल शांत होना चाहिए, इससे रात में नींद बहुत अच्छी आती है। पांचवा जो तरीका है वो है कमरे में तेज रोशनी न रहे। एक रिसर्च के अनुसार लाइट बंद करने से सोने में नींद अच्छी आती है, शारीरिक मानसिक थकान नहीं होती, नियमित अच्छी नींद से एकाग्रता बढ़ती है और नेक्स्ट डे बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ हम काम कर पाते हैं। छठा जो तरीका है वो है गैजेट्स का प्रयोग कम करें। कोशिश करें कि सोने से एक घंटा पहले मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर छोड़ दें, उनको न देखें, उनका यूज, उनका उपयोग न करें। इनकी नीली रोशनी से आंखों में तनाव बढ़ता है और आंखों में जलन होती है, इससे नींद देरी से आती है, अगले दिन का कामकाज भी इससे प्रभावित होता है और हम उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते जितनी से हम कर सकते हैं। सातवां जो तरीका है वो रात में हैवी डाइट न लें, भारी खाना न खाएं, प्रोटीन और ऑयली फूड रात में खाने से बचें। ये पाचन प्रक्रिया को धीमा कर नींद खराब करते हैं। कार्ब्स डाइट जैसे रोटी, दाल, हरी सब्जियां, मीठा खाएं, थोड़ा अदरक खाने से पाचन भी ठीक रहता है। आठवां जो तरीका है वो है कैफीन वाली चीज़ों से बचें। कैफीन वाली चीज़ें जैसे कॉफ़ी, डार्क चॉकलेट, सोडा आदि रात में लेने से नींद में दिक्कत आ सकती है। नींद न आने से पाचन पर असर पड़ता है, इसकी जगह खूब पानी पिए, हल्का गुनगुना दूध पीने से भी नींद आती है। नौवां जो तरीका है, भारी कसरत न करें। मेरा मतलब है कि भारी कसरत, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि उससे हमारी मसल्स पेन करती हैं और रात में अच्छे से नींद नहीं आती। सोने से पहले व्यायाम से हार्ट रेट व शरीर तापमान भी बढ़ जाता है। व्यायाम से कई हार्मोन भी रिलीज होते हैं जो शरीर को रात में एक्टिव कर देते हैं, जिससे नींद का चक्र गड़बड़ा जाता है। दसवां जो तरीका है वो है, कई शोधों में कहा गया है कि अल्कोहल व अन्य नशे से नींद बाधित होती है, आंखों की गति बढ़ जाती है जिससे नींद अच्छी नहीं आती, श्वसन क्रिया भी प्रभावित होती है जिससे अगले दिन समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों, इन 10 तरीकों के साथ हम इनको अपनाएं और अच्छे से नींद लें ताकि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें। इस तरह अधिकतर बीमारियां अपर्याप्त नींद के कारण होती हैं। उम्र के हिसाब से सबके लिए पर्याप्त नींद जरूरी है। 3 माह तक के नवजात को 14 से 16 घंटे,
चार से ग्यारह माह तक के शिशुओं को 12 से 15 घंटे, एक से दो वर्ष के बच्चों को 11 से 14 घंटे, तीन से पाँच वर्ष तक के बच्चों को 10 से 13 घंटे, छः से 13 वर्ष के बच्चों को 9 से 11 घंटे, 14 से 17 वर्ष तक के किशोरों को 8 से 10 घंटे, 18 से 64 वर्ष के लोगों को 7 से 9 घंटे जिसमें हम सब लोग आते हैं, और 65 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों इसी के साथ नई नई वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इसी बटन के कारण आपको नई नई अपडेट सबसे पहले मिलती हैं।